पहले ये बताइए कि दुनिया में, जिंदगी में आगे कौन कौन जाना चाहता है? सब जाना चाहते हैं, आप लोग भी जाना चाहते हैं। अच्छा, आप सब ने कहा कि आप लोग जिंदगी में आगे जाना चाहते हैं। जिंदगी आपको वही कुछ देती है जिसकी आप उसे तवक्को करते हैं, जो उससे मांगते हैं। तो कितनी हैरानी की बात है कि इस जिंदगी ने आप में से अक्सर लोगों को अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन आगे वाली सीटें खाली हैं। आप अपने लिए खुद वो चीज सेलेक्ट नहीं करते जो मौजूद है, व्हाई नॉट? दुनिया बड़ी ज़ालिम है, अपना मकाम लेना पड़ता है। खुद अपने लिए सेलेक्ट करना पड़ता है कि दिस इज माई प्लेस। अगर आप कंसिडर करते हैं कि आपका मकाम पीछे है, तो दुनिया आपको कहाँ रखेगी? यहाँ पर कोई रशीद साहब तो नहीं मौजूद? मैं रशीद साहब का लास्ट भी शायद हवाला दिया था, आजकल रशीद साहब के नाम से एक वाकया बताता हूँ इस हवाले से ही, कि एक आदमी है, उनका नाम है रशीद। वो आपको अपना तारुफ कराता है जी कि मैं छीदा बोल रहा हूँ। एक कहता है जी कि मैं चौधरी अब्दुल रशीद बोल रहा हूँ। एक कहता है जी मैं चौधरी अब्दुल रशीद फ्रॉम दिस कंपनी बोल रहा हूँ। जो आदमी अपना तारुफ छीदा कह के कराएगा, आप उसे कैसे ट्रीट करेंगे? जैसे छीदा से ट्रीट करते हैं। जो आदमी अपना तारुफ करवाएगा चौधरी अब्दुल रशीद या जो भी, वो अपना अच्छे तरीके से, आप उसे उसके मुताबिक ट्रीट करेंगे। और जो आदमी अपनी कंपनी में किसी अच्छी जगह पर डेजिग्नेशन पर है, वो भी इंट्रोडक्शन करवाएगा, तो आपकी प्रेस्टीज में उस कंपनी की प्रेस्टीज भी शामिल हो जाएगी। तो दुनिया आपको वैसे ट्रीट करती है जिस तरीके से आप अपना तारुफ करवाते हैं। तो आपके तारुफ में सिर्फ आपके वर्ड्स शामिल नहीं हैं, आप लोगों का आना, टाइम पर आना, अपनी जगह पर बैठना, अपने अगली नशिस्तों पर बैठना, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा कि आगे वाली प्लेस खाली हो और आप लोग पीछे बैठे, क्योंकि ऐसे ही होगा ना, वो प्लेस है ही आपके लिए। तो